नालंदा जिले के सभी प्रखंडों में मौजूद प्रखंड प्रमुख कार्यालय से अलग है रहुई प्रखंड प्रमुख कार्यालय। यह कार्यालय सारी सुविधाओं से लैस है। बता दें कि रहुई प्रखंड में लाखों रुपए की लागत से पुराने प्रमुख भवन को रिपेयरिंग करके टाइल्स लग गया है। पिछले एक महीने से प्रखंड प्रमुख कार्यालय का जीर्णोद्धार हो रहा था। वहीं सोमवार को रहुई प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उपप्रमुख राजीव रंजन ने बताया कि रहुई प्रखंड का अधिकांश भवन जर्जर स्थिति में है, जिसमें प्रमुख भवन भी शामिल था। जीत के बाद हम लोग ने भवन का निर्माण कराने को लेकर निर्णय लिया। प्रमुख बाबूलाल राम ने बताया कि इस कार्यालय में एसी की व्यवस्था की जाएगी, जिसके अंदर प्रमुख व उपप्रमुख अन्य जनप्रतिनिधियों बैठकर अपना कार्य कर सकेंगे। इतना ही नहीं, प्रखंड प्रमुख कार्यालय में वाईफाई की भी सुविधा रहेगी। यही कारण है कि नालंदा जिले में अन्य प्रखंडों में मौजूद प्रखंड प्रमुख कार्यालय सबसे अलग हटकर बना है। प्रमुख भवन में हवन पूजा करने के बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर सभी पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं पंचायत समिति गण उपस्थित थे। ऑफिस लेने का मकसद और जनता का सेवा मेरा प्रथम क्रम है और जनता मेरा मित्र और सब भाई पंचायत समिति सब एकजुट होकर पंचायत स्तर प्रखंड स्तर पर काम करने का वादा किए और विकास करने का वादा किए। बाबूलाल राम प्रमुख। सबसे पहले यहाँ प्रमुख ऑफिस विहीन था, उसको हम लोग यहाँ स्थापित किए। स्थापित करने के बाद आज पूजा किए। एक्चुअल जो जो ब्लॉक की जनता है वो ब्लॉक आते हैं, और ब्लॉक आने के उपरांत उनको बैठने की जगह कहीं नहीं मिल रहा था, तो ये बना, हम लोग बनवाए इसको। अब जो भी लोग आएंगे इसमें बैठ करके अपना काम करेंगे, हम लोग काम करवाएंगे। और उद्देश्य यही है हमारा, हम लोग का ऑफिस का एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। जिस तरह के लोग रहेंगे उनको साथ देना और विकास उसको करना, वो हमारा परम कर्तव्य है।